हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटम्स अप ऋषिकेश। मेरी फर्स्ट रिएक्शन वीडियो जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी के टीजर पर थी, उस पर एक कमेंट आया था किरण नायक नाम से। तो उन्होंने लिखा था कि मराठी मूवी सर सेनापति हम्मीर राव मूवी का ट्रेलर है, उस पर एक रिएक्शन वीडियो बनाइए। तो लीजिए, हम हाजिर हैं, लेट्स स्टार्ट। ये है पूरा मराठा साम्राज्य और ये रायगढ़। अब हिंदुस्तान हमारा है, तो अचानक ये हम्बीरराव नाम की आंधी कहां से? ये आंधी है या कोई हल्की हवा? ये तो आगे बढ़ जाएगा। तनु सह्याद्री चा कड़ा श्वास रोकुनी खड़ा। परिस्थिती जेवढी बिकट, मराठा तेवढाच तिखट। शिवाजी महाराजांसारखा राजा कधीच कोणा एकाचा नसतो, तो एकाच वेळी सामद्यारयतेचा असतो। पण त्या आधी स्वराज्यात ही संभाजी नावाची मोहीम जी उभी राहिली आहे, त्याचं काय? संभाजीला समजून घेण्याकरता तुम्हाला तुमचं काळी शिवाजीचं करावं लागेल, कारण संभाजी पुन्हा एकदाच माफ करतो, नंतर गुन्हेगार साफ करतो। मी आता औरंगजेबाला पुन्हा दिल्लीला नाही जाऊ देणार, इथेच कुठेतरी सह्याद्रीच्या कुशीत झोपवणार। त्याला खड्ड्यापर्यंत आणायची जबाबदारी माझी। तुमच्यासारखा मामा प्रत्येकाला मिळो। अरे, युद्धात झालेल्या जखमेत कधी एक ना दागिना नाही, फक्त तो दागिना असा छाती उ पाहिजे, कुठं तरी पाठ ठेवू नये। एक असलो तरी लाखाची ताकद ठेवतो। छातीची चाळण कर, पण पाठीची गाळण नाही उदाहरणार। एवढी अवघड मोहीम आखलीत खरी, पण खास खळग्यांची जाणीव असेल। देखो, मैं सही बताऊं तो मुझे मराठी समझ में नहीं आती है, पर मुझे देख के लग रहा है कि ये वीर गाथा मराठी सेनाओं के जो पराक्रम होता था उनके बारे में दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं, अभी ट्रेलर कंप्लीट होता है तब बताते हैं आपको। और सरजा खान एक ऐसी ताकत है जो हमेशा आखिरी वक्त काम आती है। सरजा खानाकडे काय मना आग रोखणाऱ्या तोफ आहे, कारण मराठ्यांकडे आग रोखणाऱ्या नजर आहेत। अभ्यंकारान करतो जो इन मराठों ने जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। जय भवानी। आज आपला भगवा मातीत नाही, गनिमाच्या छातीत रोवायचा। तो गाइस, ट्रेलर देख के तो मज़ा आया, काफ़ी सही लगा ट्रेलर देख करके। वैसे जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मराठी नहीं आती, बट जहाँ तक ये ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये वीर मराठा सैनिकों की वीरता के बारे में है, कि कैसे मराठा सेनापति हम्बीर राव जी ने मुगलों से बदला लिया था। बाकी ट्रेलर तो मुझे बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी रिएक्शन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।